तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है 14 x - 11 y इज इक्वल टू 29 है, एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन दे रखी है, तो अपन को सॉल्व करना है यहाँ पर इसके लिए। तो अपन इस प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको ये जो 14 x - 11 y इज इक्वल टू 29 है, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का कोफिशियंट अपन सेम तरह का बनाते हैं, तो इस 14 x को 3x + 11 x लिख सकते हैं। ये 11 x - 11 y इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, 11 से डिवाइड करोगे तो दिस हो जाएगा। अब एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है, तो x - y एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होगा, तो यहाँ पर इसको भी एक इंटीजर होना पड़ेगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी एक इंटीजर होगा, तो इसका नेगेटिव, इसको एक नेगेटिव से एक -1 से मल्टीप्लाई कर दे इस चीज को, तो वो भी इंटीजर ही होगी। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी वो इंटीजर ही होगा। 4 से करने पर क्या फायदा है कि मतलब अपन को 1 से ज्यादा बनाना है, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ये जो 3x है, 3x का 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12x बनेगा, और वो तो 11 से वो ज्यादा है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक इंटीजर होगा, तुम सिंपल समझ सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर ही होगा। और इसको 12 को, यहाँ 12 by 11 को इस तरीके से लिख सकते हैं, और 116 by 11 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x - 10, अब x - 10, x एक नेचुरल नंबर है, तो x - 10 एक इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन को इंटीजर होने के लिए इन दोनों को भी यहाँ पर इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये भी एक इंटीजर होगा। अब ये एक इंटीजर होगा, तो इसको कुछ के इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पे अपने पास एक्स इस फॉर्म का आ गया, 11k + 6 फॉर्म का, और अपने पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी। तो यहाँ पर एक्स को अगर अपन पुट कर दे 11k + 6, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो 14 x 11k, और ये 84 -11y = 29, इसको इधर लेके जाओगे तो -55 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करने पर इस तरीके से आ जाएगा, और वाई की वैल्यू यहाँ पर 14k + 5 हो जाएगी। तो अपने पास एक्स एंड वाई इस फॉर्म के आ गए, और अपने पास कंस्ट्रेंट क्या है अभी, यहाँ पर x + y यहाँ पर <100 है, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट दे रखा है अपन को। तो k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फर्स्ट ये पेयर आएगा, वैसे ही k की वैल्यू 1 पुट करने पर ये चेक कर सकते हो, k की वैल्यू 2, फिर k की वैल्यू 3, k की वैल्यू जैसे ही तुम 4 पुट करोगे तो x + y का सम 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आगे भी सम ज्यादा ही रहेगा, तो ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये चार सॉल्यूशन है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।